बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। राजधानी देहरादून समेत पहाड़ तक हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। यमुनोत्री सहित यमुना घाटी में लगातार बारिश हो रही है। वहीं ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी से ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी ने तीर्थयात्रियों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रुड़की और देहरादून की, और कहीं पर घने बादल छाए हैं तो कहीं बारिश का दौर शुरू हो गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन कुछ इसी तरह से इस समय पूरे प्रदेश का मौसम का हाल जो है वो नजर आ रहा है और मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है। तो मौसम का मिजाज इस समय पूरे प्रदेश भर में बदला हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी है। उत्तराखंड पुलिस ने भी अब यात्रियों से इसी बीच अपील की है कि मौसम खराब होने पर सावधानी बरतें, यात्री खराब मौसम में यात्रा ना करें। उत्तराखंड पुलिस की ओर से अपील की गई है कि आपातकालीन सहायता के लिए 112 डायल करें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस समय दरअसल लगातार बर्फबारी का दौर केदारनाथ धाम में जारी है और ऐसे में उत्तराखंड पुलिस की ओर से भी ये खास अपील यात्रियों से की गई है। हमारे साथ मौसम का तमाम अपडेट के साथ में हमारे इस समय उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शफात, हम देख पा रहे हैं बारिश के बीच से आप खड़े हैं और मौसम का मिजाज जो है वो उत्तराखंड में इस समय दिख रहा है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है। क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से जानकारी फिलहाल दी गई है मौसम को लेकर? हाँ अवंतिका, देखिए उत्तराखंड में तापमान में भारी गिरावट आई है और पिछले अगर 24 घंटे की बात करते हैं तो जो मैदानी इलाके हैं, देहरादून है, उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है, यहाँ तेज बारिश है पिछले 24 घंटे से। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है। देखिए मौसम में, तापमान में तो गिरावट आई है, मौसम तो सुहाना हुआ है, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिले, क्योंकि चारधाम यात्रा इस वक्त उत्तराखंड में चल रही है और चारधाम यात्रा को अस्थायी तौर पर कुछ जगह रोका गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा रास्ते खराब होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। और दूसरा, बर्फबारी बहुत ज्यादा हो रही है बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में। और इसका दूसरा नुकसान ये भी है कि जो किसानों की फसल है, मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल है, वो बर्बादी के कागार पर खड़ी है। हालांकि अभी 3 से 4 दिन जो मौसम विभाग के अनुमान की अगर बात करते हैं तो अलर्ट जारी किया गया है, 3 से 4 दिन मैदानी क्षेत्रों में तेज बारिश होगी और जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर लगातार बर्फबारी होगी। और ये हो भी रहा है, बर्फबारी लगातार हो रही है। बद्रीनाथ धाम की बात करते हैं, केदारनाथ धाम की बात करते हैं तो यहाँ लगातार बर्फबारी है। गंगोत्री यमुनोत्री जितने रास्ते साफ किए जाते हैं उसके बाद फिर बर्फबारी शुरू हो जाती है और फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्री बड़ी संख्या में चारधाम का रुख कर रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जगह जगह रास्ते में वो उनको कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ये स्थानीय जो प्रशासन है, राज्य सरकार है, ये सुनिश्चित कर रही है। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो अगले 3 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। कितने दिनों तक के लिए इसी तरह से मौसम जो है वो रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी से लेकर अभी मिली है? जी अवंतिका, देखिए अभी 2 दिन के लिए सिर्फ मौसम खुला था, पिछले 2 दिन की ही बात करें, लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और 3 मई तक संभावना है कि इसी तरह का मौसम रहने वाला है। और मौसम विभाग की जब एडवाइजरी को देख करके श्रद्धालु रुक करते हैं चारधाम यात्रा का, तो वो ज्यादा सही रहता है, क्योंकि अगर मौसम विभाग की एडवाइजरी कोई नहीं देखता है तो उसको रास्ते में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी बात करें तो सिर्फ 3 से 4 दिन अभी मौसम विभाग ने कहा है कि 3 से 4 मई तक इस तरह का मौसम रहने वाला है। एक बड़ी बात ये भी है कि चारधाम यात्रा जो है वो भी लगातार चल रही है और पीछे केदारनाथ मौसम की वजह से ही, क्योंकि बर्फबारी लगातार केदारनाथ धाम में हो रही है, तो ऐसे में मौसम की वजह से ही 30 अप्रैल तक के लिए रजिस्ट्रेशन भी किसी भी तरह का बंद कर दिया गया था और उस समय भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप मौसम देखकर यात्रा करें। और अभी भी उत्तराखंड पुलिस खुद ये यात्रियों से अपील कर रही है कि आप मौसम देखकर यात्रा करें। तो अभी जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो उनके लिए किस तरह के प्रबंध हैं, वो कहां पर ठहरे हुए हैं, क्योंकि श्रीनगर से आगे यात्रा भी बंद कर दी गई है फिलहाल? हाँ अवंतिका, देखिए किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, श्रद्धालु सुचारू तरीके से, सरल तरीके से, सुगम तरीके से अपनी यात्रा को कर रहे हैं। लेकिन जब मौसम खराब होता है तो देखिए श्रद्धालु को दिक्कत होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ तेज बारिश होती है और वहां पर अगर कोई शेड नहीं है, कोई होटल्स नहीं है अवेलेबल, तो श्रद्धालु अगर रास्ते में जा रहे हैं, पैदल मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यही वजह है कि जो स्थानीय प्रशासन है, मंदिर समिति का प्रशासन है या फिर पुलिस प्रशासन है, राज्य सरकार है,
वो अपने अपने स्तर पर अपील करती हैं उन श्रद्धालुओं से कि मौसम की एडवाइजरी को देख करके ही चारधाम यात्रा का रुख करें, चारधाम यात्रा पर जाएं। और बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो लापरवाही करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश से या दूसरे राज्यों से जहां इस वक्त गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी है, वहां से उनको लगता है कि उत्तराखंड में भी इसी तरह का मौसम होगा और वो मौसम की एडवाइजरी को नहीं देखते हैं, राज्य सरकार की जो अपील है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब वो उत्तराखंड पहुंचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ तेज बर्फबारी है या तेज बारिश है, और जो बुजुर्ग हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। देखिए, स्वास्थ्य महकमा तैयार है, राज्य सरकार तैयार है किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, लेकिन जो श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहे हैं उनको भी ख्याल रखना होगा। और बिल्कुल, और इसलिए एडवाइजरी जो लगातार जारी की जा रही है, कहा यही जा रहा है कि आप उस एडवाइजरी को जरूर ध्यान में रखकर ही यात्रा करें और मौसम को ध्यान में रखकर, क्योंकि वहां पर भारी बर्फबारी है और ठंड ज्यादा है, तो इसलिए अपने गर्म कपड़े अच्छे से पैक करके ही आगे यात्रा के लिए चलें। बहुत शुक्रिया राफ्त अली तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो इस समय लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और बार बार ये अपील है जो सरकार भी कर रही है, उत्तराखंड पुलिस ने भी अपील की है और मौसम विभाग भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। केदारनाथ धाम में अगर यात्रा करने जा रहे हैं आप, तो इस समय मौसम को ध्यान में रखकर, एडवाइजरी को ध्यान में रखकर ही यात्रा करें। और उत्तराखंड पुलिस की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर आपको जरूरत है तो आपातकालीन सहायता के लिए 112 पर कॉल भी करें और आपके पास तत्काल जो सहायता है वो भी पहुंचेगी।